नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर 3 वर्सेस वीवो Y15C का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवर 3 में 6.81 इंच जबकि Y15C में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवर 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवर 3 में 3.09 इंच जबकि Y15C में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवर 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवर 3 में 0.37 इंच जबकि Y15C में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवर 3 में 230 ग्राम जबकि Y15C में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवर 3 में 6.9 इंचेस जबकि Y15C में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवर 3 में 1080x2460 और Y15C में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवर 3 में 83.43% जबकि Y15C में 83.02% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवर 3 में 389 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y15C में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवर 3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y15C की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवर 3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y15C की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पोवर 3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y15C में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवर 3 में माली G52MC2 जबकि Y15C में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवर 3 में MediaTek Helio G88 और Y15C में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Y15C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y15C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवर 3 में अप टू 512GB जबकि Y15C में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पोवर 3 में एंड्रॉइड V11 जबकि Y15C में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी पोवर 3 में 7000 mAh जबकि Y15C में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो पोवर 3 में 3 कलर्स जबकि Y15C में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,390 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है और बात करें Y15C की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 10,377 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पोवर 3 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y15C की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोवर 3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोवर 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।